तो गाइस आज मैं कुछ मॉडिफिकेशन कुछ एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ सेफ्टी पर्पस के हिसाब से यामाहा R15 जो एम है भी। आप देख सकते हो पूरी फिटिंग के साथ इस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। विंग लाइट आप देख सकते हो क्योंकि ब्लैक कलर की इसमें रेड भी आती है और इसमें कुछ यूनिक सी मॉडिफिकेशन इंस्टॉल की गई। मिरर इंस्टॉल की गई जिसमें लाइट भी चलती है। बबल वाइजर इंस्टॉल किया गया जो कि ब्लैक लीवर गार्ड इंस्टॉल कर दिए गए। बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए गाइस यहां पर स्लाइडर इंस्टॉल कर रखा जो लगा दिया गया। बबल वाइजर ही आप देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट था तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको लिया गया। तो उस पर की का कवर भी लगा दिया गया, रोल किया गया क्रैश गार्ड जो कि प्रॉपर तरीके से है। तो ये लोहे का है पूरा, ये आपने देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल गाइस। मेरे प्यारे दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने छोटे छोटे चैनल पर जिसका नाम है SKD बाइक वर्ल्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं यामाहा R15M का जो लेटेस्ट मॉडल है उस पर हमने इंस्टॉल किया यूनिक सी मॉडिफिकेशन। और आज मैं आपको मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा, इसमें तीन यामाहा R15M होंगी जिसमें एक ग्रे और व्हाइट होगी, एक ब्लैक एंड रेड होगी। दोस्तों आज जो मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा यामाहा R15M की, तो वो मॉडिफिकेशन आप यामाहा R15 V4 मॉडल पर भी कर सकते हो और V3 पर भी कर सकते हो। तो गाइस आज जो मॉडिफिकेशन होगी वो होगी लुक्स के हिसाब से प्लस सेफ्टी के हिसाब से, यानी कि उस पर क्रैश गार्ड इंस्टॉल करेंगे। क्रैश गार्ड मैं आपको दोनों तरीके के दिखाऊंगा। एक जो लोहे का आता है प्रॉपर, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरफ से, अगर आके दिखाऊं, एक क्रैश गार्ड आता है इस तरीके का, या आपने जिस तरीके की बाइकों पे देखा होगा इंटरसेप्टर वगैरह पे, तो इस तरीके का क्रैश गार्ड भी इंस्टॉल करेंगे हम। लेकिन यामाहा R15M और यामाहा R15 जो V4 मॉडल आता है उस पर इंस्टॉल करेंगे। और साथ ही इंस्टॉल किया हमने स्लाइडर वाला क्रैश गार्ड जो कि नॉर्मल इस तरीके का आता है। इस तरफ से दिखाओ जो इस तरीके के क्रैश गार्ड आते हैं, तो एक R15M पे हमने इस तरीके का क्रैश गार्ड इंस्टॉल किया और एक R15 पे हमने पूरा क्रैश गार्ड इंस्टॉल किया, यानी कि लोहे का। इन केस में अगर आपका बाइक कभी गिरता भी है तो आपकी जो बॉडी है, क्योंकि आपको पता है जो साइड के फेयरिंग है प्लास्टिक के होते हैं, तो वो बिल्कुल टूटते नहीं है और काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है आपके लेग्स को भी। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज और भी ऐड की है, लाइक इसमें इंस्टॉल किया है बबल वाइजर, हैजार्ड सिस्टम, लीवर गार्ड्स, और साथ ही इंस्टॉल किया है मोबाइल होल्डर। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आप यामाहा R15 V3 मॉडल की मॉडिफिकेशन देखना चाहते हो, फुल मॉडिफिकेशन जिसमें ग्राफिक वगैरह सब कुछ लोड कर रखा है, तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने वाली। चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस आज मैं कुछ मॉडिफिकेशन कुछ एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ सेफ्टी पर्पस के हिसाब से यामाहा R15 जो एम है V4 नया वाला मॉडल है, ये रेड एंड ब्लैक के साथ है। और इसमें इंस्टॉल की जा रही है मेन चीज़ का क्रैश गार्ड जो कि जस्ट प्लग एंड प्ले वाला है, जो कि बहुत हैवी क्वालिटी के साथ है, जिससे आपका फेयरिंग और आपके लेग्स को काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है। मैं एक बार दिखाता हूँ मैं आपको लेग गार्ड कैसा है। और इसके अलावा गाइड इसमें लीवर गार्ड्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और लीवर गार्ड्स के जो इसमें काम रहता है वो रहता है कि इनकेस अगर आपका बाइक कभी गिरता भी है तो काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है, ये टूटते नहीं है, और लुक भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है बाइक का। और गाइस जो क्रैश गार्ड है वो आप देख सकते हो, ये वाला क्रैश गार्ड है और ये बहुत हैवी क्वालिटी के साथ है। और पहले जाते थे क्या नॉर्मल से स्लाइडर्स वगैरह आते थे जो यहाँ पर लगा देते थे, बट उसमें क्या रहता था पूरी सेफ्टी नहीं रहती थी। बाकी ये आप देख सकते हो पूरी फिटिंग के साथ इस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। ये वाला है शायद इस साइड का, हाँ ये, तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा और फाइनल होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा लुक, अदरवाइज़ क्वालिटी बहुत हैवी है। और अगर आप यामा R15 V3 या V4 इस तरीके की बाइक अगर आप खरीदते हो तो क्रैश गार्ड लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, काफ़ी सेफ्टी रहती है बाइक में। जो ये चीज़ें वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो गिरने के बाद सबसे पहले डैमेज हो जाता है, तो उस केस में काफ़ी सेफ्टी रहती है गाइस। तो पहले हम कर लेते हैं फाइनल और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। इसमें क्रैश गार्ड का काम चालू है आप देख सकते हो, और एक यहाँ पर और R15M सेम मॉडल सेम कलर, और इसमें इंस्टॉल किया गया है विंग लाइट आप देख सकते हो जो कि ब्लैक कलर की, इसमें रेड भी आती है बट ब्लैक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ब्लैक तरह की। आप देख सकते हो जो ब्लैक कलर का जो लुक है ना वो कंट्रास्ट में आया, यानी कि रेड मड गार्ड हो गया, रेड फ्रंट हो गया, और ये ब्लैक कलर का जो इसमें एक जो विंग लाइट इंस्टॉल की गई वो काफ़ी यूनिक से है। और साथ ही इसमें इंस्टॉल किया जा रहे हैं लीवर गार्ड्स। और गाइस जो ये लीवर गार्ड्स हैं ये आप देख सकते हो ये मेटल में आते हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो वो आप अपनी बाइक में या अपनी स्कूटी में या जिस व्हीकल पर आप चाहो उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज इसमें काफ़ी सारे एक्सेसरीज और भी आती है, जिस तरीके से आपने देखा था उस वाली R15M में क्रैश गार्ड इंस्टॉल हो रहा है, इसमें क्रैश गार्ड लग जाता है, इंजन गार्ड की प्लेट भी लग जाती है। और अगर आप चाहो तो टेल टाइडी, अगर आप टेल टाइडी वाली वीडियो देखी हो तो चेकआउट कर लेना, मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका है, इसमें टेल टाइडी इंस्टॉल की गई थी जिसमें मैग्नेटिक और विदाउट मैग्नेटिक दोनों टेल टाइडी आती हैं। कुछ मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज यामाहा R15M वाला जो बिल्कुल नया वाला एडिशन है, और इसमें कुछ यूनिक सी मॉडिफिकेशन इंस्टॉल की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर R6 का जो है मिरर इंस्टॉल की गई है जिसमें लाइट भी चलती है, ये आप देख सकते हो इस तरफ से ड्यूअल साइड से, और मिरर के साथ साथ गाइस आप देख सकते हैं इसमें बबल वाइजर इंस्टॉल किया गया है जो कि ब्लैक कलर का है, इसमें व्हाइट कलर का भी आता है, और भी बहुत सारे इसमें कलर आते हैं गाइस। और अगर आप चाहो तो इस पर कोई रैपिंग भी करा सकते हो। एक चीज़ तो ये हो गई, लीवर गार्ड्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं कार्बन फाइबर और गोल्डन के साथ, जिससे कि इनकेस अगर आपका बाइक गिरता भी है तो उसे काफ़ी प्रोटेक्शन रहती है, ये लीवर इसके टूटते नहीं है। ये ड्यूअल साइड में आप देख सकते हो, और बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए गाइस यहाँ पर स्लाइडर इंस्टॉल कर रखा है जो कि पूरा एक चेसी के साथ नट बोल्ट एक क्लैंप्स कनेक्ट कर दी गई, जिससे क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी क्वालिटी का मेटल का, इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं। और ये जो कलर है गाइस ये ब्लू कलर में, अगर आप चाहो जिस कलर का चाहो उस कलर का इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस आप देख सकते हो इसमें रेडिएटर गार्ड भी इंस्टॉल करा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो यामाहा R15 V4 लिखा हुआ है, तो इसमें भी काफ़ी सारे कलर आते हैं। और इससे क्या, अगर इनके से कोई पत्थर वगैरह उछल कर आता है तो आपका जो रेडिएटर है वो टूटता नहीं है। ऑल ओवर जो मॉडिफिकेशन है गाइस वो सिंपल है, ज़रूरी है बाइक की प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए।
गाइस मॉडिफिकेशन इज डन, आप देख सकते हो ये है आपके सामने यामाहा R1M ब्लैक एंड रेड कलर की, और इस पर जो मॉडिफिकेशन की है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बाकी थोड़े सिनेमेटिक आप देख चुके हो शुरू में ही, चलिए शुरू करते हैं। गाइस शुरू करता हूँ मैं फ्रंट से, फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा जो उसका वाइट वाला वाइजर आता है स्टॉक वाला, तो उसको हटा दिया गया, यहाँ लगा दिया गया बबल वाइजर ही आप देख सकते हो, जो कि ब्लैक कलर का और ब्लैक और रेड का जो कॉन्सेप्ट था तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको लिया गया। ये आप देख सकते हो बहुत यूनिक सा लुक दे रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ गया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे LED वाले मिरर, इसमें इंडिकेटर की भी आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इग्निशन ऑन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो। और गाइस आप देख सकते हो उस पर की का कवर भी लगा दिया गया जो कि R15 का, ये आप देख सकते हो। और अब मैं लगाता हूँ इसकी चाबी को और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इग्निशन ऑन करने पर कैसे लुक आता है। एक बार इंडिकेटर देना साइड का, ये देख सकते हो गाइस। तो ऑल ओवर जो मॉडिफिकेशन की गई है ना वो लुक के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त की गई है। इस तरफ का इंडिकेटर भी अगर दो, ये देख सकते हो। और आप ये किसी मॉडल पर लगा सकते हो, चाहे आपके वर्जन 2 हो या वर्जन 3 हो या 4 हो या M हो, तो किसी पर भी लगा सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी बाइक हो तो किसी बाइक पर लगा सकते हो। तो ये थे मिरर की बात। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे हैंडल बार पे, तो यहाँ आप देखो लीवर गार्ड इंस्टॉल किए गए कार्बन फाइबर के, जो कि सिल्वर और कार्बन फाइबर ब्लैक के साथ मैच किया गया। ये देख सकते हो यूनिक सा लुक आ रहा है, ये आप देख सकते हो। ये दोनों साइड से इंस्टॉल किए गए हैं, आप देख सकते हो गाइस। इसका यूज़ गाइस मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि अगर कभी आपकी बाइक गिरता भी है तो ये लीवर वगैरह टूटते नहीं है और बाइक का लुक भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा मोबाइल होल्डर विद चार्जर, या उससे तो यहाँ पर आपको चार्जर का पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी USB केबल लगा के और अपने मोबाइल को कर सकते हो चार्ज गाइस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस बाइक की, जो कि सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको बताया था मैंने शुरू में आपको, यहाँ इंस्टॉल किया गया क्रैश गार्ड जो कि प्रॉपर तरीके से है। पहले क्या हुआ करता था, पहले आपने R15 में देखा होगा एक स्लाइडर्स लगा दिया करते थे चेसिस से टाइट करके, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता था। ये लोहे का है पूरा, ये आपने देखा होगा, ये आप देख सकते हो उसमें पूरी फिटिंग है इसकी। और यहाँ पर एक स्लाइडर भी इंस्टॉल है, इस चीज़ को आप किसी और डिज़ाइन का भी लगवा सकते हो थोड़ा बाहर निकाल के भी, और अदरवाइज़ जो लुक आ रहा है वो आपके सामने है। ये दोनों साइड से है, इस साइड से भी आप देख सकते हो, और गाइस इस साइड से भी आप देख सकते हो, जो कि लुक ऑल ओवर जो इसका वो काफ़ी यूनिक सा है। और अगर हम बैठते हैं तो कुछ इस तरीके का लुक मिलता है आपको, काफ़ी सेफ्टी है। अब अगर आपकी बाइक गिरती भी है तो बॉडी डैमेज बिल्कुल भी नहीं होती, ये श्योरिटी है गाइस। और इसके अलावा गाइस इसके अलावा आप इसमें ना इसकी टेल टाइडी भी चेंज करा सकते हो, जो ये वाला पार्ट है हटा के जो मैग्नेटिक वाली आती है तो आप उसको भी लगा सकते हो और स्पोर्टी लुक देने के लिए। अदरवाइज़ ऐसे भी बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा है, ये आप देख सकते हो गाइस। और ये है अपनी यामाहा R1M लेटेस्ट वाला मॉडल, जो कि ऑल ओवर इसकी जो लुक है वो काफ़ी यूनिक से आ रही है। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। और अगर इसकी और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना, मैंने काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है जिसमें मैंने इसको पूरा लोड कर रखा है, फुल मॉडिफाइड कर रखा है, M को भी, V4 को भी और V3 को भी। तो गाइस ये थी कुछ एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशन यामाहा R1M V4 मॉडल वाली। और गाइस अगर आप इस बाइक की मॉडिफिकेशन देखना चाहते हो उसमें आप देख सकते हो एक चीज़ यूनिक सी इंस्टॉल है, तो इसकी भी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, तो चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा अगर आपके पास एंटॉर्क है, वर्कमैन है, एक्सेस है, एक्टिवा है, जुपिटर है या कोई भी स्कूटी है तो उसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के छोटे के साथ, जब तक के टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।